चौका चूल्हा में आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी करेला। इस अचारी करेले का स्वाद तो लाजवाब है ही, साथ ही इसमें तेल और दूसरे मसाले कम मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बात और, इसका स्वाद ज्यादा समय तक चलता है, यानी अगर आप सफर में जा रहे हैं तो इसे बेहिचक ले जा सकते हैं। तो अब सबसे पहले करेले को धो लेंगे। ये हमारा करेला धुल गया है। अब इस करेले को काटेंगे। सबसे पहले ये इसके जो सिरे हैं इनको काट के हटा देंगे। ये करेले के सिरे हमने काट कर हटा दिए हैं और अब इसके बाद हम इसके इस तरह से गोल गोल पीसेस काटेंगे। इसके पीसेस काटते वक्त ये ध्यान रखना कि कई बार इसमें बहुत जो करेले के बीज होते हैं वो बहुत कड़े होते हैं, तो वो भी निकल जाते हैं, क्योंकि कई बार वो बीज वैसे तो कोई नुकसान नहीं करते लेकिन दांत में जब फंसते हैं ना तब अच्छा नहीं लगता। तो ये करेले के बीज भी इस तरह से निकल जाएंगे और अभी जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद तो ये करेले के बीज बिल्कुल ही निकल जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऐसे पीसेस काट लिए हैं, गोल गोल पीसेस काट लिए हैं। अब करेले के इन पीसेस में हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। हल्दी में बहुत सारे गुण होते हैं और ये हल्दी जो है ये बहुत शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं इसमें। तो ये हल्दी करेले में इस तरह से हमने अच्छी तरीके से मिला दी है। नमक और हल्दी मिले हुए करेले को हम कुछ देर के लिए अब हम रख देंगे और अब हम आगे का काम करेंगे। अचारी करेला बनाने के लिए अब हमें जो मसाले चाहिए वो है एक तो ये कलौंजी। कलौंजी बहुत फायदे की है, मसाला है ये, और इसके साथ ही साथ इससे जो इसका जो टेस्ट है ना, एक खास तरह का जो एक स्वाद है वो अचार जैसा लगता है, उसकी खुशबू का तो क्या कहना। फिर हमें चाहिए ये पीली सरसों। ये पीली सरसों हमने ली हुई है, पीली सरसों के भी अपने बहुत ही फायदेमंद गुण होते हैं। फिर हमें चाहिए ये सौंफ। सौंफ का एक अलग ही अंदाज होता है और ये सौंफ अचार में बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है। और ये है हमारी मेथी। मेथी दाना जो है वो अपने स्वाद के लिए और अपनी खूबियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है भारतीय घरों में। जो इंडियन किचन्स होते हैं वहां पर मेथी दाने का प्रयोग होता है और वास्तव में सच में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद मसाला है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा, ये हमने कटी हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले ली है और ये नींबू का रस निकाल कर रख लिया है। हमारा करेला वो नमक और हल्दी लगा हुआ रखा है कुछ देर के लिए। अब हम सबसे पहले गैस जलाएंगे और कढ़ाई को थोड़ा गर्म करेंगे। अब ये कढ़ाई गर्म हो गई है तो हमें ये मसाले थोड़े से भून लेने हैं। तो सबसे पहले हम ये
धनिया इसको भून लेंगे, थोड़ा सा सेक लेंगे। ये धनिया जो है ये मसाले में ऊपर से डाली जाएगी, जो इसका मसाला अचारी करेले का मसाला बनेगा उसमें ये ऊपर से डाली जाएगी। तो इसको हल्का सा सेक लेंगे और जब ये अपना थोड़ा सा कलर बदल लेगी यानी कि लाइट ब्राउन से हो जाएगी, तब हम इसको गैस को धीमा करेंगे और इसको निकाल लेंगे। ये धनिया भुन गई है और बड़ी अच्छी सी खुशबू इसकी आ रही है। आप भी जब भूनेंगे इसे तो ये खुशबू आप तक भी पहुंचेगी। अब हमें ये वाले मसाले थोड़े से सेक लेने हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ये मेथी। अचारी करेले के लिए हमने लिए 1.5 चम्मच मेथी, थोड़ा सा चला देंगे इसको। उसके बाद हमने लिया ये जितनी क्वांटिटी हमने ली है उसके हिसाब से आप मसाला तय करेंगे। ये देखिए तड़कने लगी है ये। अब इसके बाद हम लेंगे ये सौंफ। सौंफ हमने ले ली 5 चम्मच, इसको थोड़ा सा चला लिया। खुशबू बढ़ती जा रही है और अचारी करेला जो है वो तैयार होने के बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है कि कब ये तैयार हो। 2 चम्मच हमने ये सरसों डाली है। सरसों बहुत जल्दी ही गर्म हो जाती है तो ये जरा सा ध्यान रखेंगे, ये जब तक लाइट अपना कलर बदलेगी ये पीली से थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, क्योंकि ब्राउन हो रही है। उसके बाद हमने ले ली है कलौंजी। और कलौंजी लेने देखिए, अब ये सरसों हमारी तड़कने लगी है और हमने अब ये बंद कर दिया, क्योंकि कलौंजी को गर्म होने के लिए सिकने के लिए ज़्यादा वो नहीं चाहिए, तो ये अब हमने इसको बंद कर दिया है और चला रहे हैं इसको लगातार, जिससे कि कोई भी चीज़ जलने ना पाए, क्योंकि ये सभी मसाले बड़े डेलिकेट से होते हैं और जरा सी भी आंच अगर लगी या जरा सी भी ये तेज उस पे रखे रहे कढ़ाई पर तो ये जल जाएगा। तो बस ये चीज हमें थोड़ी सी बचानी है। अब हमने हो गया है ये, तो इसको हल्का सा जैसे ठंडा हो जाए फिर हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये जो मसाला हमने भूना था, ये कलौंजी, ये मेथी, ये सौंफ और ये सरसों, ये चारों मसाले जो हमने कढ़ाई में सेके थे वो हमने ऐसे बारीक इनका पाउडर बना लिया है। और इसके अलावा जो हमने धनिया सेकी थी ये हमने धनिया का भी पाउडर बना लिया है मिक्सी में पीसकर। अब अचारी करेला बनना शुरू होगा। अब हमने कढ़ाई में ये तेल, सरसों का तेल गरम कर लिया है, ये 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून तेल गरम कर लिया और अब इसके बाद हम इसमें ये छौंक वाला मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले मेथी, 1 चम्मच ये मेथी डाली। उसके बाद हमने ये तो ये सौंफ डाल दी है और अब हम ये डालेंगे कलौंजी। कलौंजी 1 चम्मच और सबसे बाद में सरसों, क्योंकि सरसों तो आपने देखा था ना जल्दी तड़कने लगती है, तेल में भी बहुत जल्दी तड़कती है सरसों, तो ये सरसों हमने 1.5 चम्मच इसमें डाल दी। अब ये हमारा हो जाए पूरा, लीजिए ये सरसों का कलर बदलने लगा है तो अब हम इसमें करेला डालेंगे। ये हमारा करेला जो हमने नमक और हल्दी लगाकर रखा था, अब इसे हम इसमें डालेंगे और अब इसको हम ऐसे चला लेंगे। नमक तो इसमें पड़ा ही हुआ है और हल्दी भी पड़ी हुई है,
तो थोड़ा सा ऐसे इसको चला लेंगे। और कुछ देर के लिए इसको ढक देंगे। ये हमने प्लेट से इसको ढक दिया। दो तीन मिनट के बाद हम अपनी इस प्लेट को ऐसे खोलेंगे और ये देखिए करेले में ये टेक्सचर आने लगा है। मुझे यहाँ पर खुशबू आ रही है सारे मसालों की और ये खुशबू अब और बढ़ने वाली है क्योंकि अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे ये धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालेंगे। असल में सब्जियों में ना धनिया का जो एक स्वाद होता है तो स्वाद के साथ साथ इसके गुणों को भी बढ़ा देता है। धनिया जो पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो वैसे एक बात बताऊं, करेला जब भी बनाती हूँ तो मुझे अपनी दादी की एक बात याद आ जाती है कि जिसने करेले को ठेला उसने सेहत के लिए बहुत कुछ झेला। हालांकि वो ये बात हम बच्चों को करेला खाने के लिए बराबर इंस्पायर करने के लिए कहती थी, लेकिन ये बात जो है हमेशा दिमाग में रहती है कि भाई हाँ करेले से दूर नहीं होना है। और अगर कोशिश की जाए तो करेला भी अच्छा बन सकता है ऐसा कि आप खा सकें। अब इसे कुछ देर के लिए फिर से हम ढक देंगे। अब एक मिनट के बाद हम फिर से इस कढ़ाई को खोलेंगे और चलाते जाएंगे। असल में इसे चलाते रहने से क्या होता है कि करेला जो है वो जो लग जाता है ना नीचे कढ़ाई में वो नहीं होने पाता। तो जो करेले का स्वाद कभी कभी खराब सा लगने लगता है तो उसकी बहुत कुछ वजह ये भी होती है कि उसमें आंच का ध्यान रखना भी जरूरी है। करेला बहुत जल्दी से पकने वाली सब्जी नहीं है, लेकिन इसको बहुत देर तक अगर पकाएंगे तो भी अच्छी नहीं लगेगी। और अब हम इसमें डालने वाले हैं ये मसाले, ये जो हमने मेथी, सौंफ, राई और कलौंजी कढ़ाई में सेक कर और पीस कर रखी हुई है उसका पाउडर है वो हम डालेंगे। ये हम डालेंगे 2 चम्मच। वाह 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 क्या खुशबू आ रही है, बिल्कुल अचार जैसा एहसास हो रहा है। हालांकि ये अचार आप वैसे भी करेला ऐसी सब्जी होती है कि अगर आप उसे बनाएं क्योंकि इसमें पानी तो लगता नहीं है तो कई दिन तक इसको खाया जा सकता है। और अगर ये अचार बन जाए तब तो क्या बात है। अब ये मसाले जो आपने पीसे हैं और ये जो बच गए हैं जैसे कि ये वाला मसाला, ये आप एक डिब्बी में बंद करके रख सकते हैं और इनको बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए। अब हम इसे कुछ देर के लिए फिर से ढक देंगे। अब हमने करीब 2 मिनट इंतजार करने के बाद फिर से इस कढ़ाई को खोला है और वाह वाह क्या बढ़िया निकल कर आया है करेला हमारा। थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो रहा है ये। अब इसमें फाइनल टच देना है। देखिए इसमें तेल बिल्कुल नहीं है, आपको कहीं पर भी तेल नहीं दिखेगा। जैसे कहा जाता है ना कि ज्यादा तेल मसाले वाला खाना जो है वो नुकसान करता है, तो इसमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया गया और मसाले भी वो हैं जो कि बिल्कुल नुकसानदेह नहीं। हाथ के हाथ हमने तुरंत ही धो करके पीसे हैं, उनको बनाकर पीसा है तो वो भी नुकसानदेह नहीं है और सेहत के लिए ये चीजें फायदेमंद है। ये क्रिस्पी होता जा रहा है तो अब इसमें हमें फाइनल टच देना है। फाइनल टच मतलब हमें इसमें डालनी है कि हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने ये छोटा टीस्पून हरी मिर्च डाल दी।
और हरी मिर्च के गुण जो है वो बहुत सारे होते हैं। हरी मिर्च जो है वो एक ऐसी चीज है जो पेट को साफ रखती है, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको हमेशा सही रखती है। ये हरी मिर्च डाल के हमने इसको थोड़ा सा चला दिया है और अब हम ये ले रहे हैं नींबू का रस। नींबू का रस जो हमने निकाल कर रखा था वो हम आधा चम्मच नींबू का रस इसमें स्प्रिंकल कर देंगे चारों तरफ। और ये इसी के साथ हमारा करेला, अचारी करेला अब तैयार। ये देखिए इसकी जो शक्ल है देखने में ये तो लग रहा है कि जबरदस्त कुछ बना है, और जायके में ये कैसा है, खाने में कैसा है, ये तो टेबल पर पहुंच कर पता लगेगा। तो अब इंतजार मत कीजिए, फटाफट करेला बनाइए और खा कर देखिए और हमें भी बताइए कि आपको ये अचारी करेला कैसा लगा। मेथी, सौंफ, सरसों, कलौंजी, धनिया, हल्दी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नींबू का रस, एक टीस्पून तेल और स्वादानुसार नमक। चौका चूल्हा में आज हमने आपको अचारी करेला बनाने की विधि बताई और आगे भी हम ऐसे ही कुछ व्यंजनों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और प्लीज शेयर भी करें। थैंक यू।